हेलो एवरीवन, आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल पर। आज का जो वीडियो है ना, बहुत ही अलग है। आज मैं आपके साथ में अपने मंदिर का टूर शेयर करने जा रही हूँ। यहाँ पर अभी 6 मंथ पहले कुछ और बना हुआ था, लेकिन अब मैंने मंदिर बनवा लिया। इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है, जो कि बहुत मुश्किलों से लिया गया था इस मंदिर बनवाने का डिसीज़न। तो बहुत सारी बातें हैं आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। साथ में ही एक DIY बॉक्स भी शेयर करूँगी, जो पूरी तरह से वेस्ट मटेरियल को यूज़ करके बनाया गया है। तो अगर आज का वीडियो ये आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और कॉमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आप सभी का स्वागत है मेरे इस मंदिर में। इसका जो एंट्रेंस है वो लिविंग रूम से है, जो कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है। और जो इसका एरिया है वो है 10x10 का। तो पहले यहाँ मेरा बड़ा सा किचन हुआ करता था, जिसे मुझे तुड़वाना पड़ा। एक्चुअल में किचन बहुत बड़ा था, लेकिन सब कुछ गलत बना हुआ था। लेकिन ये किचन तुड़वाने का सबसे बड़ा रीज़न इसका गलत डायरेक्शन में होना था, यानी कि नॉर्थ टू नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में होना था, जो कि पूजा के लिए सूटेबल है, बेस्ट है, क्योंकि नॉर्थ जोन होता है वाटर जोन, और इसमें मैं जला रही थी अग्नि मेरे किचन होने के कारण। तो ये हमारी पर्सनल लाइफ पे, प्रोफेशनल लाइफ पे, हमारी हेल्थ पे बहुत ही ज़्यादा बुरा असर डाल रहा था। और मैंने इसको बहुत ही बारीकी से ऑब्ज़र्व किया इन चीज़ों को, और उसके बाद में मैंने कुछ एस्ट्रोलॉजर से भी कंसल्ट किया और इसके बारे में बहुत सारा रिसर्च किया, क्योंकि वास्तु मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। तो मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता था इसके बारे में रिसर्च करने में। उससे पहले मैं वास्तु वगैरह को इतना नहीं मानती थी, लेकिन जब प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स देखी, उन चीज़ों के बारे में जाना, ऑब्ज़र्व किया, रिसर्च किया, तब मुझे ये सारी चीज़ें पता चली। सो अब प्रॉब्लम ये हो गई थी कि मैंने तो सब कुछ समझ ही लिया था, लेकिन घर वालों को समझाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया था। लेकिन आखिरकार ईश्वर की कृपा से वो दिन आ ही गया कि लोग घर में सब लोग राज़ी हो गए। लेकिन इस चीज़ के लिए ना मुझे बहुत ज़्यादा सुनना पड़ा, क्योंकि ये एक डिसीज़न था कि बनी बनाई किचन को तोड़वाना था और वहाँ पे मंदिर बनवाना था। तो यहाँ पे मैंने डिज़ाइन किया अपना प्यारा सा मंदिर। तो ये मंदिर मैंने वॉल पर फिक्स्ड कराया हुआ है। इसको मैंने अपने न्यू किचन को बनवाने के बाद में बनाया, और मुझे इस चीज़ का भी ध्यान रखना था कि मुझे जो भी डिज़ाइन बनवानी है वो लेटेस्ट डिज़ाइन बनवानी है। सो मैंने बहुत सारा सर्च किया, सर्च करने के बाद में फाइनली मैंने एक डिज़ाइन खुद से क्रिएट की, खुद से ड्रॉ की, क्योंकि मैं डिज़ाइनिंग फील्ड से हूँ। तो मैंने अपने कारपेंटर को समझाई अच्छे से। तो ये मंदिर पूरा एक एक चीज़ सामने खड़े रह के मुझे बनवानी पड़ी, क्योंकि ना क्या होता है कि जो हम खुद समझाते हैं सामने वाले को, वो कितना समझता है, कितना उसको इमेजिन कर पाते हैं, मतलब हम जो समझाते हैं वो सामने वाले को कितना समझ में आता है और कितना वो इमेजिन कर पाता है। तो इसलिए ना अगर कुछ भी रिनोवेट करवा रहे हैं या कुछ भी क्रिएट करवा रहे हैं तो सामने खड़े रह के करवाना पड़ता है। तो इस मंदिर को और इस किचन को भी मैंने पूरा सामने रह के खड़ा करवाया। तो मैं कुछ दिनों बाद आपके साथ में अपनी किचन का टूर भी शेयर करूँ। तो ये मेरा मंदिर है जो कि वॉल पर फिक्स है, जिसकी चौड़ाई है 4 फीट और जो उसकी हाइट है वो मैंने रखी थी 5 फीट। जो मैंने पैनल लगवाया है ना, जो बोर्ड सारे किचन के काम कंप्लीट होने के बाद में जो बोर्ड बचा था, उस बोर्ड को मैंने सेंटर में लिया, और उसके ऊपर जो माइका भी चिपकाई है वो भी मेरी किचन की बची हुई थी, तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बन गया। पैनल के चारों तरफ मैंने एक लाइट दी है जो जलती है तो बहुत ही प्यारा सा इफेक्ट देती है। और इसमें जो नीचे की तरफ मैंने लगवाई है 2 स्टेयर्स, जिस पर मेरे सारे भगवान जी आराम से बैठ जाते हैं, और नीचे वाली जो स्टेयर है उस पर दीपक, भोग, सारी ज़रूरत की सामग्री आराम से रख सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने अपने मंदिर को डिज़ाइन किया। किचन का मार्बल बच गया था, क्वार्ट्स बच गया था, उसी को मैंने कट करके ऊपर वाली स्टेयर पे और नीचे वाली स्टेयर पे लगा दिए, ताकि वुड पर अगर पानी कुछ गिरे या दीपक जुड़े तो उससे कुछ ख़राब ना हो। और मैंने इन स्टेयर्स के नीचे बनवाए 3 ड्रॉर्स। इनको अपनी ज़रूरत के हिसाब से मैंने डिज़ाइन किया है। पहले ड्रॉर में 2 पार्टीशन दिए हैं, इसमें से एक में राधा जी के कपड़े हैं और दूसरे में कान्हा जी की ड्रेसेस हैं। और जो मिडिल ड्रॉर है उसमें मैंने लड्डू गोपाल जी के सारे कपड़े और सारी डेली का सामान रखा है, क्योंकि लड्डू गोपाल जी का डेली का श्रृंगार होता है, उनकी डेली की सेवा पूजा होती है, जो भी चीज़ें होती हैं वो तुरंत की तुरंत मैं यहाँ से ले लूँ। इसलिए मैंने मिडिल वाला जो ड्रॉर है वो लड्डू गोपाल जी के लिए बनवाया। उसको सिंपल, मतलब
इसको सिंगल ही रखा है, इसमें कोई पार्टीशन नहीं दिया। और अब आती हूँ तीसरे ड्रॉअर की तरफ। तीसरे ड्रॉअर में मैंने फिर से दो पार्टीशन दिए हैं, जिसमें एक में तो दुर्गा माँ की सारी ड्रेसेस रखी हैं और आगे वाले पार्ट में डेली का पूजा का सारा सामान रखा है, जैसे रोली, चावल, बत्ती, धूप, तो इस तरह का सारा सामान रखा है जो ईजिली वहाँ से मैं ले सकूँ, मुझे बार बार उठना ना पड़े। और इसी मंदिर में एक छोटा सा सिटिंग अरेंजमेंट भी किया है कि अगर मैं थोड़ी देर यहाँ पे एकांत में बैठना चाहूँ तो मैं बैठ सकूँ, तो वो भी जो पुराने गद्दे थे वो सब चीज़ें डाल के उसके ऊपर रग वगैरह डाल के कुशन वगैरह लगा के मैंने इस तरीके से सिटिंग अरेंजमेंट किया है। और ज़मीन पर एक रग डाला है, उस पर रखी है मैंने एक चौकी जिस पर आराम से बैठ कर मैं पूजा करती हूँ। आप सोच रहे होंगे कि इस मंदिर को मैंने बहुत एक्सपेंसिव बनवाया होगा। देखिए, अगर मटेरियल को मैं छोड़ दूँ, जो कारपेंटर ने अपनी मेहनत का लिया था वो था 9,000, बाकी जो सामान था सारा का सारा मेरा किचन से जो बचा था वही सामान को मैंने रीयूज़ किया। बैक साइड में जो बोर्ड है उस बोर्ड को मुझे बस मंगवाना पड़ा था। तो ये मेरे घर का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है और मुझे यहाँ पर बैठ कर बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है। और अब मैं आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ एक DIY बॉक्स, जो कि बहुत मुझे ज़रूरत थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको DIY करूं। तो ये जो भी वेस्ट मटेरियल था मेरे पास उसको लेके मैंने DIY करा है। इसके लिए मैंने लिया है एक जो चॉकलेट्स वगैरह का जो डिब्बा आता है उसको, प्लास्टिक के डिब्बे को लिया है। इसके अंदर और बाहर की तरफ मैंने फेविकॉल लगा दिया और मेरे पास जो भी चीज़ें बची हैं घर में उन्हीं को रीयूज़ करूँगी। मेरे पास ये जो लेस बची है इसी को मैं लगा रही हूँ। फाइनली ये अब ख़त्म हो चुकी है तो आप कहीं नहीं देखने को मिलेगी। तो इसको मैंने अंदर और बाहर से इस तरीके से लेस से कवर कर दिया और मैं अब इसके ऊपर लगा रही हूँ ये एक कलावे जैसी एक पतली सी लेस है, तो उसको मैंने लगा दिया। और उसके बाद में मैं लगा रही हूँ जूट की रस्सी, तो फेविकॉल की मदद से। तो मैं इसको इस तरह से, क्योंकि मुझे मेरे दिमाग में ये था कि मुझे ना कुछ वुडन टाइप का इसको लुक देना है, वुडन बॉक्स टाइप का इसको लुक देना है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर मैं एक जूट रोप लगा देती हूँ, तो उससे जो इसके ऊपर जो इफ़ेक्ट आएगा बहुत अच्छा आएगा। और देखिए ये लगने के बाद में कितना खूबसूरत सा इफ़ेक्ट आ रहा है इसके ऊपर। ये कवर हो चुका है और इसके ऊपर मैं साइड में लगा रही हूँ ये जो लेस है मेरे पास, वो मैं इसको लगा दूँगी फेविकॉल की मदद से। तो इस तरीके से वेस्ट चीज़ों को यूज़ किया जा सकता है, उनको रीयूज़ किया जा सकता है। हमारे पास बहुत सारा सामान इसी तरीके से पड़ा रहता है और हम उनको फेंक देते हैं। तो मैंने इस बॉक्स को इस तरीके से यूज़ किया और ये मेरी बॉक्स बनके तैयार हो गया। इसके ऊपर मैं एक वुडन बीड लगा रही हूँ, इससे पूरी तरह से एक वुडन बॉक्स जैसा इसके अंदर टच आ गया। तो ये बनके तैयार हो गया मेरा वुडन बॉक्स। अगर आज आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो और हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फिर से मिलेंगे कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ में, तब तक के लिए प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा।